योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें हमीरपुर, कानपुर देहात, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, खीरी और सिद्धार्थनगर समेत 8 जिलों के कप्तान भी शामिल हैं। एसपी खीरी सत्येंद्र कुमार मुरादाबाद पीएसी भेजे गए हैं, उनकी जगह विजय ढुल नए एसपी होंगे। सत्येंद्र कुमार सिर्फ 1.5 महीने ही टिक पाए। पिछले 1 महीने में रेप, मर्डर के 3 मामले और पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्र कांड में पुलिस की भूमिका के बाद उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी। वहीं उन्नाव के एसपी रोहन पी कने को हटाकर पीएसी प्रयागराज भेजा गया है। हरदोई में एसपी अमित कुमार प्रथम अब यूपी 112 में एसपी होंगे। कानपुर देहात में एसपी के पद पर तैनात अनुराग वत्स को हरदोई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। एटीएस में एसएसपी विनोद सिंह को कुशीनगर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। कानपुर के संजीत यादव अपहरण हत्याकांड में घिरी पुलिस एक बार फिर कटघरे में है। संजीत हत्याकांड की तरह इस बार भी पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। 4 सितंबर को लापता हुए सुनील की भी हत्या कर दी गई। परिजनों ने पहले ही आशंका जताई थी कि संजीत जैसा हाल सुनील का भी ना हो, इसलिए पुलिस को जो करना है जल्दी करे। बर्रा में रहने वाले सुनील ठेकेदारी का काम करता था। वह 4 सितंबर की दोपहर घर से निकला और लापता हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उसी दिन सुनील की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर स्कूटी से ले गए और ओरछी गांव के पास पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में इस जानलेवा वायरस के 7042 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 66317 है। यूपी में अब तक कोविड से संक्रमण के बाद 2,21,506 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट 75.85% हो चुका है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। शासन की तरफ से तमाम एहतियात और सख्ती के दावे के बावजूद कोरोना केस बढ़ना जारी है। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ दुराचार मामले में नया मोड़ आ गया है। रेप पीड़िता की तरफ से केस लड़ने वाले वकील ने आरोप लगाया है कि पीड़िता ने पूर्व मंत्री से साठगांठ कर करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवाई, फिर मुकदमे में आरोपियों के पक्ष में शपथ पत्र लगाने की बात कही। वकील ने कहा कि इस केस में उन्हें चुपचाप बैठने, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इस मामले में वकील की तहरीर पर पुलिस ने रेप पीड़िता, उसकी बेटी गायत्री प्रजापति और अज्ञात लोगों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया है। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय के बाद स्पेशल ट्रेनें शुक्रवार से चलाई जा रही हैं। अब दिल्ली के लिए ट्रेनों में आरक्षण की मारामारी खत्म हो गई है। शुक्रवार को एसी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के हर क्लास में काफी सीटें खाली हैं। वहीं मुंबई और अमृतसर की ट्रेनों में जगह के लिए मारामारी मची हुई है। शुक्रवार को सबसे पहले शताब्दी एक्सप्रेस रवाना होगी, इसमें करीब 900 सीटें खाली हैं। इसी तरह रात को चारबाग स्टेशन से छूटने वाली एसी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी से लेकर थर्ड एसी में कुल 450 सीटें खाली चल रही हैं। इसी तरह कृषक एक्सप्रेस के सभी कैटेगरी में जगह खाली है। इस ट्रेन में कुल 725 सीटें रिक्त हैं। हालांकि मुंबई की सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं।